बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी फरीदाबाद से सामने आती हुई, जहां केजीबी एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है और कैंटर ने कांवड़ियों की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में एक कांवड़िया की मौत भी बताई जा रही है और इस पूरे हादसे के दौरान 7 कांवड़िए घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इंद्री के रहने वाले हैं सभी कांवड़िए जो इस हादसे में घायल हुए हैं या हादसे का शिकार हुए हैं। तो कैंटर ने कांवड़ियों की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते हादसे में एक कांवड़िए की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो हादसे में एक कांवड़िए की मौत, 7 कांवड़िए घायल, इंद्री के रहने वाले हैं सभी कांवड़िए। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से, जहां पर केजीपी एक्सप्रेस वे पर यह भीषण हादसा हुआ है और हादसे में कैंटर ने कांवड़ियों की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में एक कांवड़िए की मौत हो गई है और 7 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया है और सभी कांवड़िए जो हैं वो इंद्री के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो अपनी यात्रा के दौरान कांवड़िए इस हादसे का शिकार हो गए और आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे हादसे के दौरान एक कांवड़िए ने अपनी जान भी गंवा दी है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। वही इंद्री के रहने वाले हैं सभी कांवड़िए। तो जैसा कि आजकल कांवड़ यात्रा चल रही है सावन के पावन महीने में, और इसी दौरान जब वो अपनी यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके साथ क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन केजीपी एक्सप्रेस वे पर यह बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे के दौरान एक कांवड़िए ने अपनी जान गंवा दी है, दर्दनाक मौत हो गई है एक कांवड़िए की। वहीं इस पूरे हादसे के दौरान 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और फरीदाबाद से मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, तो केजीपी एक्सप्रेस वे पर यह बड़ी घटना की, बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है, जिसमें एक कांवड़िए की मौत हो गई है, 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, ये जो है ताजा मामला जो है फरीदाबाद के 66 केजीपी का है, जहां पर कांवड़ियों के साथ जो है वो हादसा हो जाता है, क्योंकि कैंटर की तरफ से जो है हादसा होता है, जिसमें एक की मौत हो जाती है, एक कांवड़िए की मौत हो जाती है और जो है बाकी जो अन्य है 7 जो है वो घायल हो जाते हैं। ये जो कांवड़िया था ये रोज का मेव इंद्री के रहने वाले थे, जो कि कांवड़ हरिद्वार से लेकर के आ रहे थे और केजीपी के रास्ते से जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ था। फिलहाल जो है एक कांवड़िए की इसमें पूरे मामले में मौत हो चुकी है, बाकी 7 जो है वो अभी अस्पताल में इलाज जो है उनका चल रहा है, हालांकि खतरे से बाहर बाकी बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस को भी इसमें शिकायत दे दी गई है, पुलिस भी जो है वो छानबीन कर रही है और ट्रक का जो नंबर है वो भी जो है पुलिस के पास पहुंच चुका है, दे दिया गया है, तो उसमें पुलिस जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी बिल्कुल मुकेश, तो जो 7 घायल हैं उनकी हालत तो स्थिर बनी हुई है, लेकिन कितने बजे की ये पूरी घटना है, कितने बजे ये पूरा हादसा हुआ था? देखिए बिल्कुल बता दें, ये सुबह का हादसा बताया जा रहा है, करीब 5:30-6 बजे का हादसा बताया जा रहा है, जो कि जैसे केजीपी 66 के पास ये लोग पहुंचे थे, तो क्योंकि बारिश के चलते जो है वो तिरपाल टांगने की कोशिश कर रहे थे, तो तभी दूसरे कैंटर में जो है वो टक्कर मारी थी, तब ये पूरा हादसा हुआ है। इस हादसे में एक कांवड़िए की मौत भी हो गई है और बाकी 7 जो है वो घायल हुए थे, जिन्हें तुरंत जो है वो पुलिस के माध्यम से, जो केजीपी पर जो पुलिस होती है उसके माध्यम से तुरंत उसे जो है वो सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां उनके हालत को देखते उन्हें जो है वो निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल जो है 7 जो कांवड़िए हैं वो खतरे से बाहर हैं। जी ठीक है मुकेश, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरीदाबाद से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे थे, जहां केजीपी एक्सप्रेस वे पर यह बड़ा हादसा हुआ और कांवड़ियों की टक्कर एक कैंटर से हो गई, जिसके चलते एक की मौत और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं।